नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक संसद भवन में शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। बैठक में एनआईए को और भी मजबूत करने वाले संशोधन बिल को मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट एनआईए एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम में संशोधन के लिए बिल को पेश करेगी, जिसके बाद इसे संसद के इसी सत्र में पास कराने की कोशिश की जाएगी। इस संशोधन के बाद एनआईए को साइबर अपराध और मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अनुच्छेद 4 में संशोधन करके एनआईए को संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई का अधिकार भी मिल जाएगा। मौजूदा समय में एनआईए केवल आतंकी संगठनों के खिलाफ ही जांच करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा सरकार आज प्रॉक्सी वोटिंग के लिए भी संसद में एक बिल पेश करने का विचार कर रही है। ऐसा ही बिल पिछली बार लोकसभा के कार्यकाल में पेश किया गया था, लेकिन वह 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो चुका है। लिहाजा एक बार फिर से इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए प्रॉक्सी वोटर नियुक्त किया जाएगा। मौजूदा समय में विदेश में रह रहे लोगों को अपने संसदीय क्षेत्र में खुद आकर वोट करना होता है। तो आपको बता दें कि संसद भवन में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। बैठक में एनआईए को और भी ज्यादा मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा और प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। और अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से सीधे लाइव, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। अमित, बैठक में एनआईए को और भी ज्यादा मजबूत करने वाले संशोधन बिल को मंजूरी दी जाएगी और इस पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि ये पास हो जाए। देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा इस सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और एनआईए अभी भी आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जब एनआईए जांच करता है उसमें जहां साइबर सेल या मानव तस्करी से कोई जुड़ा हुआ मुद्दा उसमें अगर शामिल होता है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर या स्पेशल सेल पर एनआईए की निर्भरता बढ़ जाती है। तो एनआईए को इस निर्भरता से मुक्त कराने के लिए, एनआईए को और सशक्त बनाने के लिए इस संशोधन विधेयक को लाया गया है और इस पर विस्तार से जो बैठक चल रही उसमें चर्चा भी हो रही है। इसके अलावा आज चूंकि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का मतलब ये होता है कि सरकार के कामकाज की समीक्षा, सरकार के नीतियों की समीक्षा और उस पर किस तरीके से प्रभावी तरीके से जो लोग सरकार का पक्ष रखेंगे वो किस तरीके से अपनी बात रखेंगे इस पर भी इस समय जो बैठक चल रही है उसमें चर्चा हो रही है। 40 विधेयक सरकार चाहती है इस बजट सत्र में पारित कराना, उसमें 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा है। पिछली बार भी कोशिश की थी सरकार ने, तो इस बार नए सिरे से 3 तलाक बिल को सरकार ने पेश कर दिया है, उस पर किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है ये भी बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा 5 जुलाई को चूंकि बजट आ रहा है और बजट से पहले प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और उसमें किस तरीके से जो सुझाव दिए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से उसको कैसे आगे बढ़ाना है इस पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इस समय क्योंकि 11 बजे संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, उसके पहले संसद भवन के नए बिल्डिंग में ये जो बैठक है बहुत खासा इसका महत्व है और सबकी नजरें बनी हुई है क्योंकि इस बैठक में जो निर्णय होगा उसके बाद हम उसको लोकसभा और राज्यसभा में देख पाएंगे किस तरीके से इन विधेयकों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। जी चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब संसद के चालू बजट सत्र के दौरान ये सप्ताह सरकार के लिए बेहद अहम है। इस हफ्ते संसद में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने का प्रस्ताव है, जबकि दूसरा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक पर रोक का प्रावधान करने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी, जो संसद से पारित होने के बाद अध्यादेश का स्थान लेगा। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विधेयक है। साथ ही दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें तो इन तमाम चीजों को लेकर आज सदन में चर्चा होगी। अमित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अनुच्छेद 356 अगर लगातार जारी रहता है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कुछ कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के अलावा अब राष्ट्रपति शासन ही लागू रहेगा इस तरीके से? लेकिन निश्चित रूप से हालात अभी ऐसे हैं नहीं कि वहाँ चुनाव कराए जाएं, ये सरकार का कहना है। इसलिए जो प्रस्ताव लाया जा रहा है 356 को जारी रखने का, उसके पीछे यही आशय है। और ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 जो नए सिरे से लाया गया है, जो 2004 अधिनियम का स्थान लेगा, तो आरक्षण से संबंधित जो दो संशोधन महत्वपूर्ण हैं, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2004 का जो स्थान लेने जा रहा है, इसमें जो दो महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं, एक तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी इस रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जो अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको मिल रहा है। दूसरा जो एक प्रावधान 2004 के कानून में जोड़ा गया कि 15 साल से जो स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, इसमें भी संशोधन सरकार करने जा रही है। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ कश्मीरी पंडितों को मिलेगा, क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद ने एक तरीके से कोहराम मचा रखा था, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोग थे उनको पलायन करना पड़ा, तो इन तमाम लोगों को भी अब जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार 2019 में करने जा रही है, इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। तो ये दो प्रावधान हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा 40 विधेयक हैं जो इस सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। ज़्यादातर विधेयक अध्यादेश के जरिए लाए गए थे, वो उनका स्थान लेंगे। कई विधेयक ऐसे हैं जो राज्यसभा में जाने के बाद उनको संसदीय समितियों को भेज दिया गया था। तो 40 जो विधेयक हैं उनमें 3 तलाक, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, इसके अलावा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट के लिए सरकार एक बिल लेकर आ रही है, कंपनी एक्ट में संशोधन के लिए एक बिल है, सरोगेसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, NIA अमेंडमेंट बिल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 40 ऐसे बिल हैं जो इस सत्र में सरकार चाहेगी कि ये पास कराए जाएं। जी अमित, NIA की अगर बात की जाए तो जो जिम्मेदारियां NIA को देने की बात फिलहाल सरकार कर रही है लगातार, क्या कुछ कहा जा सकता है ये जिम्मेदारियां जो फिलहाल जिन एजेंसीज के पास है क्या वो अब सक्षम नहीं है, जो ये जिम्मेदारियां अब NIA को दी जा रही है? देखिए, NIA का गठन ही किया गया था कि देश में जिस तरीके से आतंकी पैर पसार रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल में रखा जाए, और एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक ऐसी एजेंसी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसलिए NIA का गठन हुआ। अभी भी NIA के पास पर्याप्त ताकत है, पर्याप्त उनके पास पावर्स हैं, लेकिन कुछ जो जटिलताएं आती हैं उन जटिलताओं को दूर करने के लिए साइबर सेल से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो स्टेट्स के पास उनका राइट ज़्यादा है, तो उन तमाम कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए, जटिलताओं को ख़त्म करने के लिए ये अमेंडमेंट सरकार लाने जा रही है कि इसके बाद फिर किसी पर निर्भरता नहीं रह जाएगी NIA की, क्योंकि कहीं भी लूप होल अगर मिलता है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल जाता है जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, खासकर स्लीपर सेल के